सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रविवार को गिरिडीह में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। कुटी बाजार स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालय के बाहर से शुरू होकर रन फॉर पीस नगर भवन के समीप जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर जिला नजारत उप समाहर्ता डॉक्टर सुदेश कुमार ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सरदार पटेल ने एकता की परिभाषा ही बदल दी, उनके विचार आज भी जीवित हैं। इसी विचार के साथ हमें आज भी आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के नागरिक हैं। विश्व पटल पर हमारे देश की एकता और अखंडता प्रसिद्ध है। यह हमारे देश की खूबसूरती है कि अन्य धर्म, अन्य जाति, अन्य समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। इधर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान इन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना देखा था, हमें उस सपने को पूरा करना है। कहा कि सरदार पटेल के मूल्य विचार हमेशा जीवित हैं, हमें उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम गिरिडीह जिला में किया गया जा रहा है। सभी प्रखंड में, सभी जिला में, सभी स्तर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग को भी सभी प्रकार का एकता का शपथ लेना है और हम लोग इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के सहजा सेविका और जितना भी गणमान्य व्यक्ति, प्रेस, मीडिया, बंधु सब लोग का भागीदारी रहा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज रन फॉर पीस निकाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी पर आज का ये कार्यक्रम है और जिस प्रकार एकता और सद्भावना का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, आज हम सभी ने इसी का शपथ लिया है कि हम लोग इसी प्रकार देश की एकता, भाईचारा के लिए हम लोग सदा तत्पर हैं।